माय किचन ट्रेजर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोहा मावा बर्फ़ी। ये झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। इसे बनाया है हमारे ग्रुप की बहुत ही टैलेंटेड होम शेफ़ रिया सिंह जी ने। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। पोहा मावा बर्फ़ी फ्रेंड्स, ये हमने 1 कप पोहा लिया है। ना बहुत पतला है ये और ना ही बहुत मोटा है, आप देख सकते हैं ये वीडियो में, ये देखिए। और यहाँ पर हमने 1/2 कप शुगर ली है, 1/2 कप मावा लिया है। मावा को मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। 1 कप मिल्क है, डेसिकेटेड कोकोनट है 1/2 कप। ये केसर लिया था मैंने, इसको गर्म दूध में भिगो के रखा हुआ है। इलायची पाउडर है जो हम 1 टीस्पून डालेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर रखा हुआ है। कुछ पिस्ते लिए हुए हैं और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमें घी लेना है। फ्रेंड्स, पहले आप पोहा को 2 से 3 पानी में अच्छी तरीके से धुल लीजिए। ये देख सकते हैं 2 से 3 पानी में धुलने के बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। ये देखिए, हमने 1 मिनट बाद पोहे को निकाल लिया है और इस तरह से छान के रख लिया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आप उसको चावल की तरह मत बनाइएगा। 1 मिनट पानी में भिगोकर अच्छे से छान लीजिए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ली है और गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर घी डाला है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो 1/2 टेबल स्पून में भी बना सकते हैं। इस मिठाई में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इसे 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून में भी बना सकते हैं। आप अगर घी अवॉइड करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा घी डालकर बस इसे बनाइए। गरम होने के बाद हमने जो पोहा लिया था वो इसमें डालेंगे और इसका जब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तब तक हम इसे भुनेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी हम अगर मिठाई बनाएं तो कोशिश करिए कि नॉनस्टिक कढ़ाई में या पैन में बनाएं। ऐसा करने से ये रहता है कि आपकी मिठाई या जो भी मिक्सचर है वो तले से लगता नहीं है। तो कोशिश करिए कि हम कोई भी मिठाई बनाएं तो वो नॉनस्टिक की हो तो बेटर है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये मीडियम फ्लेम पे इसे भुनना है जब तक कि ये अपना पानी ना छोड़ दें या एब्जॉर्ब ना कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 2 से 3 मिनट इसको भुना है और ये देखिए ये पैन छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पर हम मिल्क ऐड करेंगे। जो हमने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया था वो ऐड करेंगे इसमें। इसमें मैंने मलाई वाला मिल्क यूज़ किया है। आप अगर मलाई वाला नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बॉयल करके मिल्क यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आप इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक ये दूध एब्जॉर्ब ना कर ले मिक्सचर तब तक इसे भुनना है। अब ये इसमें ये पक जाएगा। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है। एक तो सबसे अलग थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हल्का सा क्रंचीनेस होता है इसमें, और जो मावा ऐड होता है इसमें उसका टेस्ट तो दोगुना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही फटाफट बनकर रेडी होती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप इसे स्पैचुला से थोड़ा ऐसे मिक्स करते हुए इसको अच्छे से चलाइए नीचे तक, और ये दूध एब्जॉर्ब हो चुका है। अगर आप घी अवॉइड करते हो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून भी डालेंगे तो भी ये मिठाई उतनी ही टेस्टी बनेगी। या आपके ऊपर है कि अगर आप घी खाते हैं तो आप इसमें ऐड करिए, नहीं तो आप सिर्फ 1 टीस्पून डाल के बना सकते हैं ये मिठाई और उतनी ही टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हमने जो क्रम्बल करके मावा रखा था वो डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
मावा का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसमें 1 कप मावा भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा घर का मावा था, आप बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं या इंस्टेंट मावा भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पाउडर से जो बनता है। मिल्क पाउडर तो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है, तो आप इंस्टेंट मावा बनाइए और इसमें ऐड कीजिए। ये देखिए, अभी ये मिक्सचर पैन छोड़ने लगेगा, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, ये देखिए मिक्सचर हमारा पैन छोड़ने लगा है। अब यहाँ पर हमने जो 1/2 कप शुगर लिया था वो ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर डालिए। फ्रेंड्स, कुछ जगह मावा को खोया बोलते हैं। मैं राजस्थान में हूँ तो यहाँ पे मावा बोला जाता है। वैसे मैं यूपी से हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पर खोया बोलते हैं। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा मिक्सचर लूज होगा, घी शुगर इसमें मिक्स होने के बाद ये थोड़ा सा लूज होगा। फ्लेम को आप मीडियम रखिए। अच्छे से बराबर चलाते रहिए। अभी ये 1 से 2 मिनट में पैन छोड़ने लगेगा मिक्सचर। फिर हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मिक्सचर पैन छोड़ने लगा है। अब फ्लेम को स्लो कर दीजिए और यहाँ पर हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया था वो ऐड कीजिए। अगर आप कोकोनट नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो भी ये जो बर्फी है बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको पसंद है तो डालिए। अब इस स्टेज पर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और जो हमने केसर वाला दूध लिया था वो ऐड करेंगे। इससे कलर अच्छा बहुत आएगा बर्फी का। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए केसर वाला दूध डालने के बाद मिक्सचर पैन छोड़ने लगा है। 1/2 मिनट बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पर हमने जो काजू और बादाम बारीक काट कर लिया था वो ऐड कीजिए। थोड़ा सा काजू बादाम और पिस्ता हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कोई फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप इसे कोई भी कलर का बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डालिए, जो आपको पसंद हो। हमारे घर में काजू बादाम और पिस्ता ज़्यादा यूज़ होता है, वो मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है। ये देखिए पैन छोड़ चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक प्लेट में घी लगा लीजिए और मिक्सचर उसमें ट्रांसफ़र करिए और बर्फी को अच्छे से फैलाने के लिए रख दीजिए। अच्छे से आप जो शेप देना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से फैला लीजिए। मिक्सचर गर्म है तो आप स्पैचुला से ही इसको सेट कीजिएगा। ये देखिए ये मैंने स्क्वायर शेप में इसको सेट किया है। फ्रेंड्स, आप प्लेट को घी से ग्रीस जरूर कर लें। ये देखिए ये सेट मैंने इसको ऊपर दिया है। अब इसमें ऊपर से आप काजू और बादाम पिस्ता जो मैंने चॉप्ड करके रखे थे वो इसमें डालिए। इसमें इसको गार्निश कर दीजिए, अच्छा लुक आएगा बर्फी का।
ये देखिए फ्रेंड्स, और स्पैचुला से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए कि कट करते वक्त ड्राई फ्रूट्स बाहर ना आए। हल्के हाथों से इसको दबा दीजिए और फ्रेंड्स इसको आधा से एक घंटे के लिए आप रख दीजिए। आप चाहें तो अगर जल्दी सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, फिर ये सेट हो जाएगा। नहीं तो आप बाहर रख दीजिए एक घंटे के लिए, ये सेट हो जाएगा और उसके बाद पीसेस में कट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बर्फ़ी रेडी है। कट होने के बाद मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है ये। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी पोहा मावा बर्फी बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट बनने वाली बर्फ़ी। आप कभी भी 10 से 12 मिनट में बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको उसको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यूनिक और बहुत ही टेस्टी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखा आपने इसे कितना इजी है बनाना इस बर्फ़ी को, पोहा मावा बर्फी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह बर्फ़ी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।